उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने जी मीडिया से बातचीत की। बातचीत में कहा कि जनता का आभार कि महज 42 वर्षों में केंद्र में 2 से 302 के पार पहुंचाया। पीएम मोदी के मार्गदर्शन में बीजेपी आगे बढ़ रही है, देश आगे बढ़ रहा है। आगे बातचीत में बोली रेखा आर्य, आज बीजेपी की 18 राज्यों में सरकार है। हम बिना किसी भेदभाव के सबके लिए विकास कार्य करते हैं और इसलिए हर वर्ग का बीजेपी से जुड़ाव है। मेरे साथ में उत्तराखंड की कैबिनेट मिनिस्टर रेखा आर्य जी इस वक्त हैं, उनसे बात करते हैं। मैडम, सबसे पहले कहा जा रहा है कि बीजेपी अब आने वाले वक्त में और ज्यादा नई ऊर्जा, नई ताकत के साथ आगे बढ़ने जा रही है, आज की इस मौके पर क्या कहेंगे लोगों से? देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी आज अपना 42वां स्थापना दिवस मना रही है और इस 42वें स्थापना दिवस में खास बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जिसने भारतीय जनता पार्टी को एक पौधे के रूप में सींचने का काम किया और सींचते सींचते आज उसे फलदायी पेड़ के रूप में बनाया, एक छायादार वृक्ष के रूप में बनाया, जिसको राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ साथ में आज गरीबों के कल्याण करने की पार्टी के रूप में जिसको पहचान मिली है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता आज बेहद खुश है। ये बड़ी उपलब्धि है, बड़ी उपलब्धि है और इस जाहिर तौर पर इसका कहीं ना कहीं क्रेडिट शीर्ष नेतृत्व को, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को तो जाता ही है, मगर आप चूंकि कैबिनेट मिनिस्टर हैं, आपकी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है कि अब यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का, क्या भी उसमें वक्त है, कमेटी का गठन होना है, क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था और महिलाओं से जुड़ा हुआ भी कहीं ना कहीं एक मुद्दा है, क्योंकि सिविल कोड ही में एक तरीके से असमानता है धर्मों के बीच। इसकी आवश्यकता भी थी और इसको लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन भी थे और गोवा में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, तो हमारी कोशिश है कि उत्तराखंड में भी जो है, जिसमें हमारे विभिन्न जो है एस्पेक्ट्स लिए गए हैं, उसको लेकर जो है एक कभी भी किसी प्रकार का जो है व्यवधान उत्पन्न ना हो, तो उन परिस्थितियों के लिए आवश्यक हो गया था कि समान नागरिक संहिता की आवश्यकता थी। इसके लिए कमेटी जो है हाईकोर्ट के जज की अध्यक्षता या सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में बनाने की बात को लेकर सहमति हुई है, जिसमें हमारे विशेषज्ञों की एक टीम भी उसमें रहेगी। तो कमेटी जिस दिन अपना स्वरूप लेगी उसके बाद में इस दिशा में हम लोग आगे बढ़ेंगे।